अस्सलाम वालेकुम। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 13.2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये चैप्टर है और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेक आ ट्राइंगल एंड ड्रॉ द मीडियंस एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में बात क्या हो रही है कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें। एक ट्राइंगल हमने जो है वो लेनी है जिसकी कोई मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हमारी अपनी मर्जी है कि हम कितनी भी मेजरमेंट की ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि ड्रॉ द मीडियंस। ये मीडियंस, मीडियंस क्या होता है? मीडियंस हम कहते हैं उस लाइन को जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। अब क्या होता है और बात क्लियर हो जाएगी जब हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। And prove that they are concurrent. Concurrent means होता है एक ही पॉइंट पर मिलना, यानी जो हम मीडियंस ड्रॉ करें हमें प्रूव करना है कि वो सब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। अब ये बात प्रूव करने के लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। अब फिगर के अंदर हमने क्या करना है, गिवन हमें यहाँ पर क्या है कि आर ट्राइंगल ए बी सी, कोई मेजरमेंट नहीं दी गई, एज अ सिंपल अपनी मर्जी से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ट्राइंगल हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैं ट्राइंगल ले लूँगी, ड्रॉ करूँगी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी एक साइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हमारी अपनी चॉइस है कि कितने ही मेजरमेंट के हम ड्रॉ कर लें। हम इसको क्या कह देते हैं, दिस इज द ए बी, इसको हमने कह दिया ए बी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरी साइड हम ड्रॉ करेंगे। दूसरी साइड की मेजरमेंट भी हमारी अपनी मर्जी है, हम कितनी ही ले सकते हैं, लिहाजा अब हम इसके लिए कंपास को ओपन कर लेंगे। मैं 1 सेंटीमीटर कम ले रही हूँ, 7 की ड्रॉ करी थी, अब हम ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लिया और फिर हमने ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर दिया आर्क, आर्क ड्रॉ कर दी। फिर अब हमने मज़ीद 1 सेंटीमीटर कम करा और 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हमने ली कंपास में, सेंटर हमने लिया। अब बी को और इस पहले वाली प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे थे, दिस इज द पॉइंट सी, ये हम पॉइंट सी कह रहे हैं। हम ज्वाइन कर देंगे अब ए को पॉइंट सी से, ठीक है। ए को हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट सी से, इसी तरह से ज्वाइन करेंगे हम पॉइंट बी को पॉइंट सी से, ये भी ज्वाइन हो गई, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक्चुअली क्या आ गई, ट्राइंगल आ गई ए बी सी। ये काम हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट कि ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या कह रहे हैं कि बाइसेक्ट, हमने अब क्या करना है, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं इनको हम करेंगे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट, व्हाट इज द मीन बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में कर देना। ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में कर दे उसे हम कहते हैं बाइसेक्टर। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर हमने क्यों ड्रॉ करना है, इसकी वजह ये है कि हमें मिड पॉइंट चाहिए। जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था मीडियन की कि हमें मिड पॉइंट चाहिए होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इसके लिए हम जिस साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उसके मोर देन हाफ अपने कंपास को खोल देंगे। जो इसकी मेजरमेंट है वो हम सिर्फ कंपास से ओपन करेंगे, कोई स्केल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे नापने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से रख कर हम डिस्टेंस ले लेते हैं अपने कंपास में कि हमने इसको मोर देन हाफ खोल लिया है। अब मोर देन हाफ खोल कर हम अब ले लेंगे सेंटर ए को सेंटर लिया और लगाएंगे हम यहाँ पर आर्क,
इधर हमने ड्रॉ करी एक आर्क, क्योंकि हम ए बी का ड्रॉ कर रहे हैं बाइसेक्टर, लिहाजा साइड ए बी के दोनों साइड्स पर हम ड्रॉ कर देंगे आर्क्स। इसी तरह से हम लेंगे सेंटर बी को, बी को सेंटर लेना है और हमने ड्रॉ कर दी आर्क। इसी तरह से यहां पर भी हम ड्रॉ कर देंगे आर्क। अब इंटरसेक्ट होना जरूरी है, लिहाजा अब हम वापस ए पर आए और इसको बढ़ा दिया हमने ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि हमें मिला है एक यहाँ पर और एक पॉइंट मिला है हमें यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। और ये बाइसेक्टर क्या करेगा, साइड ए बी को दो बराबर हिस्सों में कर देगा और हमें मिलेगा इससे मिड पॉइंट। एक्चुअली हमें चाहिए मिड पॉइंट, इसने हमें सारा काम करा। हमें पता होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि हमें यहाँ पर इसका एक्चुअली चाहिए मिड पॉइंट। तो हम इसको कह देंगे ए बी, ए बी का जो हमें मिड पॉइंट मिला है हम इसको शो कर देंगे डी से। दिस इज द डी पॉइंट डी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अब हम साइड बी सी, साइड बी सी ले लेते हैं। अब साइड बी सी का भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर। क्या करना है, कंपास को हम खोल लेंगे मोर देन हाफ ऑफ मेजरमेंट्स बी सी। बी सी की जो मेजरमेंट है उसका हमने आधे से ज़्यादा कंपास को खोल लिया, ठीक है। कोई स्केल यूज़ नहीं करा मैंने इसको अभी ओपन करने के लिए, सिंपल सी बात है। बी को सेंटर लें, ड्रॉ कर देंगे इस साइड पर आर्क, जिसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है जिस साइड का उसके साइड के दोनों तरफ आर्क्स ड्रॉ कर दी जाएंगी। इसी तरह से हम लेंगे अब सेंटर सी को, सी को सेंटर ले रहे हैं लिहाजा इसको कर दिया इंटरसेक्ट और यहां से इसको भी हमने कर दिया है इंटरसेक्ट, ओके। अभी हमारे इंटरसेक्ट हो गए, हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम कर देंगे अब ज्वाइन। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक। तो ये हमें देगा साइड बी सी का मिड पॉइंट। इसको डॉटेड लाइन में करेंगे हम ज्वाइन। हम जो भी बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं इनको हम डॉटेड लाइन में ज्वाइन करेंगे, फुल लाइन नहीं बनानी है क्योंकि फुल लाइन हम बनाएंगे मीडियन के वक्त पर। तो दोनों को अलग अलग बताने के लिए हमने यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब मैं हाथ हटाऊंगी तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि ये क्या करा हमने, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमारा पॉइंट आ गया मिड पॉइंट साइड बी सी का, साइड बी सी का मिड पॉइंट। इसको हम शो कर देते हैं, दिस इज द ई, ये हमारा पॉइंट ई आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं साइड ए सी पर। अब साइड ए सी का भी यही करना है, मोर देन हाफ हमने कंपास को खोला, फिर ए को सेंटर लिया, एक आर्क हम इस साइड के इधर लगाएंगे, दूसरी आर्क हम इस साइड पर लगा देंगे। दोनों साइड्स पर आर्क ड्रॉ कर दी, फिर हमने लिया सेंटर सी को, सी को सेंटर लेकर आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया, इस साइड की इंटरसेक्ट हो गई और इसी तरह से यहां पर मैं अब हाथ रहूंगी तो क्लियर होगी बात। देखें मैंने ये क्या करा, यहां पर इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दी है, ठीक। आर्क ड्रॉ हो गई तो हमारे पास इसका भी आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्वाइन करना है।
ठीक है, केयरफुली वर्क करना है, ज्योमेट्री जो है वो केयरफुली करने का काम होता है। ज्योमेट्री का मकसद यही होता है कि हमें केयरफुल बनाना, ठीक है। अच्छा जी, जब ने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, अब इसको हम कह देंगे दिस इज द एफ पॉइंट, एफ मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम एक्चुअल मीडियन की तरफ आ जाते हैं, मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हमारे ट्राइंगल के थ्री वर्टेक्स हैं, एक है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो इन वर्टिसेस से हमने ड्रॉ करना है एक्चुअली क्या, मीडियन। तो ए, ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, साइड बी सी है। तो ए के ऑपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स ए से तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द मीडियन। मीडियन हम इसको कहते हैं कि वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट, वो लाइन जो वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द मीडियन, ठीक है, इसको मीडियन कहते हैं। अब इसके बाद हम बी से ड्रॉ करेंगे, बी से हम ज्वाइन करेंगे इस वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी के ऑपोजिट साइड ए सी है, लिहाजा हम यहाँ पर करने लगे हैं जैसे कि हमें लिखा हुआ है यहाँ पर भी, हमने बाइसेक्टर पर बाइसेक्टर में ड्रॉ कर दिए जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं साइड ए बी, साइड ए बी के डी को बी सी के पॉइंट ई पर और ए सी के पॉइंट एफ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा, हम ज्वाइन करने लगे हैं, ए को हमने ज्वाइन कर दिया ई से, अब इसके बाद हम बी को ज्वाइन करेंगे पॉइंट एफ से, पॉइंट एफ से ज्वाइन करेंगे हम, ये हमारा पॉइंट एफ, ये हमारा पॉइंट ई, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से अब हम सी को, सी अब देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट वर्क हुआ है, कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हमने दो मीडियंस हमने ड्रॉ करे थे उन जहाँ पर दोनों मीडियंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं हमारा थर्ड वाला भी वहीं से ही पास हो रहा है, वहीं से ही गुजर रहा है, जो कि क्या शो कर रहा है कि हमारा परफेक्ट वर्क हुआ है। इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट जी, क्लियर है बात। और यही बात हमने बतानी है यहाँ पर, हमने लिखा ज्वाइन ए टू ई, बी टू एफ एंड सी टू डी, तो दस ए ई, ए ई ये हमारा मीडियन, एक मीडियन है, बी एफ ये हमारा दूसरा मीडियन है एंड सी डी ये हमारा थर्ड मीडियन है, आर द रिक्वायर्ड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विच मीट इन अ पॉइंट जी, जो कि एक पॉइंट जी पर मिलते हैं। तो इसे बात क्लियर हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि दे आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब यही होता है एक पॉइंट पर मिलना, तो हम एक पॉइंट पर जी पर तमाम मीडियंस मिल रहे हैं, तो ये बात प्रूफ हो गई कि ऑल ऑफ दीज मीडियंस आर कॉन्करेंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।